जल्द मूवी भी होगा। किन के साथ? के सारी से। वाह, बेटर इंडस्ट्री है ये। अच्छे से खुद को रहना चाहिए ना इंसान। यहाँ कोई भी गलत नहीं है, मेरे नज़र में कोई भी गलत नहीं है। खुद गलत हो तब अगला गलत है। बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत इच्छुक भी रहती हूँ खेसारी के साथ। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद भी है वो। और बहुत बहुत दर्शकों का धन्यवाद। वो मुझे भोजपुरी में वैसे मुझे अक्षरा सिंह पसंद है। अच्छा। और बॉलीवुड में मुझे कैटरीना कैफ पसंद है, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय। अच्छा, ये तीन मुझे बहुत पसंद है। नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे एक्ट्रेस जो कि बहुत ही कम समय में आप लोगों के बीच तहलके मचा के रख दे, जो कि आप लोग प्यारा सा नाम जानते हैं, महिमा सिंह जी, जो कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ना जाने कोई भी ऐसा कलाकार होगा जो कि इनके माध्यम से बचे होंगे, जो कि डांस के माध्यम से। चलिए आज हम नए मेहमान को स्वागत करते हैं आप लोग का प्यारा सा चैनल साई न्यूज सीरीज में। तो महिमा जी, साई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और साई न्यूज सीरीज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ से? मैं यूपी गाजियाबाद से। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको एंट्री कैसे हुई? मैं टिकटॉक से ही एंट्री हुई थी मेरी। जैसे मैं टिकटॉक चलाती थी तो तभी मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था भोजपुरी में। अभी देख रहे हैं आपको कोई भी ऐसा स्टार लेवल नहीं है जो आपकी आधा से बचे हुए, जैसे कि खेसारी भी आ गए, पवन यंग, कुश राजा, अरविंद अकेला, कल ना जाने कितने स्टार, गुंजन सिंह, मतलब नाम गिने टाइम जी। बिल्कुल जी, आप ही बताइए कितने कितने लोगों के साथ काम कर चुके हैं। कोई बचा ही नहीं है बिल्कुल हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। कोई भी नहीं, सभी के साथ हो चुका है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा एक्टर लगा जो कि सबके बेहतर? मेरे लिए तो सभी हैं ना, फिर भी कुछ खास जैसा का फेवरेट होना चाहिए, खेसारी, पवन, कौन ऐसा है? नहीं, ये दो तो ऑलमोस्ट हमेशा रहेंगे मेरे। खेसारी पवन जी हमेशा रहते हैं, लेकिन सभी कोऑपरेटिव पर्सन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक को बोलूं, सभी मेरे लिए बेटर है। फिर भी कुछ इसमें यूनिक होना चाहिए ना, मुझे ना सबसे दिल से ये काम करने में। और उससे जिस समय आप इंडस्ट्री में ना थे, किनको आप पसंद करते थे उस समय? खेसारी जी, पवन जी को, दोनों आदमी को, दोनों को। चलिए, अच्छा, खेसारी भैया के जो आप उनके वीडियो जो काम करने का मौका मिला, उससे पहले पवन भैया के साथ आया था आपका वीडियो, किन के माध्यम से वो वीडियो आपको करने का मौका मिला? वो मुझे रवि पंडित जी। अच्छा जी, उन्होंने कॉल किया था मुझे, तो किया था, पवन जी ने बोला था उनको। अच्छा जी, इनको आप एंट्री करवाया जाए। हाँ जी। अच्छा चलिए, अब कुछ अलग जानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ये सब होते रहता है, सारे लोग आपको जानते हैं, कभी सोचे कि मुझे फिल्म में भी ट्राई करना चाहिए? बहुत जल्द मूवी भी होगा। किन के साथ? खेसारी जी। वाह, चलिए अच्छी बात है। और थोड़ा सा ये दर्शक हमारे बताइए अपनी स्ट्रगल लाइफ कैसे कैसे यहाँ तक, क्योंकि लड़के आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हो। नहीं, वो है, लेकिन बिना कुछ मुझे लगता है कि है भी नहीं। बिल्कुल, वो तो है, मेहनत तो करना ही पड़ता है कहीं भी हो, लेकिन लड़की के लिए होता है घर से लव नोट होता है, ये सब आप कैसे झेलाइए? हमारे इंटरव्यू में बोली हूँ कि मेरे पापा मुझे आज भी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको ये फील्ड ही नहीं पसंद है मेरी मम्मी, बट मैं अपनी मम्मी को एग्री की, स्वेलो किया, तो मैं आ पाई हूँ। अच्छा, आपके घर में कौन कौन से हैं और पिताजी आपका क्या करते हैं? मेरे पापा का ब्रेड का एजेंसी है और हम दो सिस्टर हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा। मतलब हम फोर मेंबर्स हैं फैमिली में जी। अच्छा, पटना यहाँ है, तो पटना में आपको सबसे ज़्यादा किन का सपोर्ट मिला हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में? कोई भी लोग के साथ मतलब आपको जल्दी देखते हैं, ऐसा टैलेंट आप में कि बहुत जल्द किन्हीं के साथ काम करने का मौका मिल जाता है? सबसे पहले तो मुझे अंकुश राजा जी के सॉन्ग से मतलब ब्रेक मिला था। ना ना, कौन है ऐसे बैकग्राउंड जो सपोर्ट के माध्यम से आपको? सपोर्ट तो मुझे किसी का भी नहीं रहा, मेरी मम्मी का ही सपोर्ट है बस। बिल्कुल, इंडस्ट्री में किसी का भी सपोर्ट नहीं है, मैं किसी के सपोर्ट से हूँ ही नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ एक मेरी मम्मी है, वही मुझे सपोर्ट करती है। खेसारी भैया के साथ जो नया होली का जो गाना आपका आया है, कितना आपको काम करके अच्छा लगा? मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत इच्छुक भी रहती हूँ खेसारी के साथ। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद भी है वो। और बहुत बहुत दर्शकों का धन्यवाद, वो 12th नंबर ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो गाना जी। चलिए, एक और सवाल, आप शादी कब कीजिएगा? शादी तो मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेरी मम्मी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में बहुत और भी सक्सेस हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, जब शादी कीजिएगा तो अपनी मम्मी के मर्जी से कि आप अपना चॉइस है, हमारे दर्शकों को बताइए? मेरा तो मन ही नहीं है और फिर भी कुछ कुछ सोच तो जरूर होगा, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, मैं अपनी मम्मी को की ही मर्जी से करूँगी। चलिए, और हमारे दर्शकों और क्या, आप जैसे कि मान कर चले भी देखते हैं हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, मतलब कहीं पे गलत ये सब वो सब, उस चीज़ को आप अपने आप मजबूती एक मैनेजमेंट करके कैसे चलते हैं, ये हमारे दर्शकों को कुछ बताइए।
मतलब जैसे कि मान का चलिए आप देख समझ रहे हैं ना बात। अच्छा, वो सब जी वो सब को लेकर मतलब उस चीज़ को मतलब उस चीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग आप कैसे करते हैं उस चीज़ को लेकर। पहली बात जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा ही, बिल्कुल वो तो है ही। हाँ, तो बिल्कुल बस वही बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर मैं भी गलत करूंगी तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, तो बस यही बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। बिल्कुल, तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ यूनिक आप लोग को, हमारे दर्शक ऐसा कुछ अपने हिसाब से बताइए ताकि जितने भी अगर कोई लड़की आना चाहेंगे इस फील्ड में उनके लिए आपके हिसाब से क्या संदेश रहेगा। सबसे मेन सपोर्ट आपको अपनी फैमिली से ही लेना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि फैमिली से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं, नहीं है। होते हैं। हाँ, तो फैमिली की राय लेके आइए, काम कीजिए, बहुत अच्छा है। जैसे कि लगता है कि दूर से बहका देते हैं लोगों को कि ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेटर इंडस्ट्री है ये। अच्छे से खुद को रहना चाहिए ना, इंसान यहाँ कोई भी गलत नहीं है, मेरे नज़र में कोई भी गलत नहीं है, खुद गलत हो तब अगला गलत है। बिल्कुल, अगर हम सही रहेंगे तो काम भी अच्छा होगा। और एक और बात, आपको जब मम्मी इतना सपोर्ट कीजिए तो हम चाहेंगे आप मम्मी के लिए गाना गा दीजिए आप। मैं सिर्फ हर इंटरव्यू में एक ही गाना गाई हूँ, वो मुझे याद भी है। आज मैं दूसरा गाना गाना चाहती हूँ जी, तो नहीं मैं यही वाला गा देती हूँ। ठीक है, जो याद है वही। हम कुआरे में गलती तो कई ले बनी, बाकी एक बेरी गंगा नहाई ले बनी। बस मुझे ये गाना। देखिए ये तो अंकुश भैया का है, लेकिन हाँ। मैं चाहता हूँ आप मम्मी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट होता है ना इस तरह का एक मन के लिए मैं। जी कुछ हिंदी सॉन्ग हो जाए बेस्ट, जो आपका काफ़ी फेवरेट हो। हिंदी सॉन्ग्स, मुझे सॉन्ग्स में ज़्यादा रुचि नहीं है और मुझे नहीं याद होगा। अच्छा, डांस लाइन में आप किन को फॉलो करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में या किन लोगों? मुझे भोजपुरी में वैसे मुझे अक्षर सिंह पसंद है। अच्छा, और बॉलीवुड में मुझे कैटरीना कैफ। अच्छा, उनका फॉलो करते हैं। कैटरीना कैफ पसंद है, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय। अच्छा, ये तीन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस शायद ना होते तो क्या आप बन पाते अपने लाइफ मेरे में? मेरे पापा की थिंकिंग थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो शायद मैं उस लाइन में जाना चाहती, बट मेरे को पसंद बचपन से ही ये फील्ड थी। अच्छा, एजुकेशन आपका क्या है? 12th स्टैंडर्ड, बट अभी मैं बीए कर रही हूं, तो अभी तो कोरोना का सीजन है तो ओपन से। चलिए, अच्छा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको खेसारी भैया के साथ कब गाने वाला, ये कुछ पता चला है? हो भी चुका है और बहुत जल्द होगा भी उनके साथ, हो भी चुका है बट वो अभी रिलीज होगा, लोकगीत है ना, तो अभी होली सीजन है तो होली सीजन के जस्ट बाद हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। तो भैया हमें बता दूँ, ये थे महिमा सिंह जी, जो कि बहुत सारा अच्छे एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छा लगता है इनका प्यारा सा डांस, जो भी सीन मिलता है वो बहुत ही हंसी खुशी से कर लेते हैं और टाइम भी बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, जो भी एक्ट्रेस हैं। तो हमारे ऑडियंस के लिए क्या विनती करना चाहिएगा जो कि काफ़ी प्यार सपोर्ट आपको दें? मैं तो बस ये दर्शकों के लिए तो हमेशा मैं जितना बोलूंगी उतना ही कम होता है। बिल्कुल, तो बस मैं यही चाहूंगी कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद दें। चलिए भैया, ये थे महिमा सिंह जी, फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।